इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 22, जिसका स्टेटमेंट है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सिस एट ए पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ठीक है जी, इसने बोला है एक लाइट की रे है वो 1, 2 से पास होती हुई एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके उसके बाद 5, 3 से होके जाती है, तो आपको पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है जी, देखो इसे स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जो इंसिडेंट रे है वो किससे पास होके जा रही है आपकी 1, 2 से। ठीक है जी, और रिफ्लेक्टेड रे हमारी पास होके जा रही है 5, 3 से। ठीक है जी, अब ये आपका पॉइंट ए है जो एक्स एक्सिस पे, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं स्मॉल ए, 0, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ एट पॉइंट ए पे, तो आपको बाई फिजिक्स पता है कि ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला एंगल भी बराबर क्या होता है, इस एंगल के बराबर होता है। अगर मैंने इसको थीटा लेट कर लिया, ठीक है जी, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 180 माइनस का थीटा। ठीक है जी, अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसको पॉइंट मान लेते हैं पी और क्यू, हम ए पी लाइन का स्लोप निकालेंगे और ए क्यू लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर उस स्लोप को एंगल के फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमने निकाला स्लोप ऑफ लाइन ए पी, ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन ए पी एम वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, 3 - 0 अपॉन में 5 - a, ये आ गया 3 - 5 - a। अब क्योंकि इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना हमने लेट किया है थीटा, तो इसलिए हम इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू, ए क्यू इसको हमने एम टू मान लिया, वो लिख लेगा वाई टू माइनस वाई वन मतलब 2 - 0 अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 1 - a, यह आ गया 2 - 1 - a। क्योंकि इसका एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 180 माइनस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं टेन 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है जी, अब टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा, तो 2 - 1 - a इज इक्वल टू आ गया माइनस का टेन थीटा। अब टेन थीटा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो आएगा 2 - 1 - a इज इक्वल टू माइनस का 3 - 5 - a, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 10 - 2a इज इक्वल टू माइनस का 3 + 3a। ठीक है जी, अब ये इधर आ गया तो हो गया 5a, 3 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो हो गया 13, तो a इज इक्वल टू 13/5, a की वैल्यू 13/5 हो गई, तो हैंस पॉइंट ए कितना आ गया हमारा 1, 0 मतलब 13/5, 0। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।